आज का मैच खेलने से पहले ही सूर्या यादव अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे हॉस्पिटल के अंदर। तो दोस्तों आखिर क्या हो गया है सूर्या यादव की पत्नी को, जिससे मिलने के लिए सूर्या यादव जो कि मैच छोड़कर जो कि हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो कि मुंबई इंडियन और गुजरात के बीच जो कि मैच होने वाला है, और दोस्तों यह मैच जो कि इतना ज़्यादा धाकड़ मैच है, जो यह मैच को जीतेगा वह जो कि फाइनल मैच जो कि CSK के साथ खेलेगा। और दोस्तों इसके बाद जो कि आपको बता देना चाहते हैं कि मुंबई इंडियन में जो कि अफरा तफरी मच गई है। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि मुंबई इंडियन के धाकड़ खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जो कि अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। और दोस्तों उनकी पत्नी जो कि बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी, और दोस्तों सूर्य कुमार यादव जो कि बीती रात जो कि फ्लाइट पकड़कर अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। और दोस्तों मुंबई इंडियन के फैंस और मुंबई इंडियन के खिलाड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए हैं कि सूर्य कुमार यादव जो कि इस तरह से मैच को छोड़कर जो कि अपनी पत्नी से मिलने चल गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को इस तरह से छोड़कर जाना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन को जो कि बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन दोस्तों आपको कहना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव की इस तरह से उनकी पत्नी के अचानक से बीमार पड़ने के बारे में। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी से मिलने आए हैं, लेकिन दोस्तों आज का मैच जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, और दोस्तों गुजरात और मुंबई इंडियन के बीच होने वाला है। और दोस्तों यह मैच जो जीतेगा वही मैच का फाइनल मैच खेलेगा। लेकिन दोस्तों आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लेकर दोस्तों